लंबी नींद से जागने का वक्त हो गया है। स्वागत है आर्को, साथ में मिनी फोर्स को तबाह करते हैं। मुझे केक बहुत पसंद है। केक का सिर्फ एक टुकड़ा बचा है। ठीक है, फिर आखिरी टुकड़ा अपन का। तुम सबको क्या हो गया? अपन की इस केक के आखिरी टुकड़े पर कब से नजर पड़ी हुई थी? पर मुझे भी खाना है। वो विजेता होगा। छोड़ो भी ये बचपना, जो मेरी पहेली का जवाब देगा उसे ये केक मिलेगा। ठीक है, कैसा लगा? सही है ना? ये अच्छा आइडिया है। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। पहेली? हाँ, तब तो केक अपुन का ही है। पहेलियों का राजा विकी। मैं कोई फालतू पहेली क्यों सुलझाऊं? हम केक बांट भी सकते हैं, हमें ऐसा बचकाना खेल खेलना ही क्यों है? तुम्हें लगता है कि तुम पहेली नहीं सुलझा सकते ना? वैसे अगर तुम अपुन के खिलाफ खेलने से कतराते हो तो पहेली हार मान सकते हो। मैं ये पहेली जरूर सुलझाऊंगा, तुम देखते जाओ बस। ठीक है, अब मैं तुमसे पहेली पूछती हूँ। मैं सुबह 4 पैरों पर चलता हूँ, दोपहर में 2 पर और शाम को 3 पैरों पर। कौन हूँ मैं? ये कौन सी चीज हो सकती है? ये एक बकवास सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका एक जवाब है। जो भी है, ये बकवास है। कह दो ना कि तुम्हें ये केक चाहिए था, लालची लड़की। क्या कहा तुमने? ये तुम पर है कि तुम पहेली सुलझाते हो या नहीं। आर्को, तुम बाहर कैसे निकले? ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे होते कुछ गलत नहीं कर सकते। मैं पहले तुम्हें देखता हूँ और फिर मास्टर डैनी की मदद करूँगा दुनिया जीतने में। क्या तुम तैयार हो रोनी? तुम जैसे लोगों का सामना करने के लिए तैयार क्यों होना चाहिए? अड़ियल कहीं के? फोर्स वेपन तैयार। फोर्स गन तैयार। मैं तुझे अपने एसिड वेनम की शक्ति दिखाता हूँ। रोनी, अब मैं वो आर्को नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जिस तरह का दर्द मैंने इतने सालों झेला क्योंकि तुमने मुझे कैद कर दिया था। सुबह को 2, दोपहर में 3। अब उनको पता है, इसका जवाब है एक पपी है। पपी है ना, है ना? तो केक का आखिरी टुकड़ा हुआ अपुन का। सॉरी, तुम गलत हो। पपी तो होना चाहिए था यार। और जैसे कि किसी को सही जवाब नहीं पता है, मुझे लगता है ये केक का टुकड़ा मेरा है। रुको जरा, इसका जवाब पपी नहीं, एक इंसान है। बिल्कुल नहीं, अबे कौन सा इंसान ऐसा करता है बे? रुको, क्या इसका जवाब इंसान है? इंसान जब बच्चे होते हैं तो 4 पैरों पर चलते हैं और बड़े होने पर 2 पैरों पर चलते हैं और जब बूढ़े हो जाते हैं तो 3 पैरों पर यानी बैंत के साथ घूमते हैं।
बिल्कुल सही कहा। वाह सैम, कमाल कर दिया। वाह, मैंने सोचा भी नहीं था इसका जवाब इंसान होगा। अब उनका केक, तुमने अब उनका केक ले लिया रे। मुबारक हो। अब जब पहेली हल हो गई है, मैं अपने दोस्तों को बताने जा रही हूँ। बाय। वैसे सच कहूँ तो केक खाने का इतना भी मन नहीं था मेरा, पर शायद मैं एक टुकड़ा खा लूँ। विक्की, अब तुम खाए। बुलावा आया है, चलते हैं। एक इमरजेंसी है, आर्को अपनी गहरी नींद से जाग गया है। आर्को, आपका मतलब वो कोबरा जो मिनी फोर्स ने बहुत वक्त पहले पकड़ लिया था सर? सही कहा, वो रेगिस्तान के जानवरों को डरा रहा था, तब रॉनी ने उसे पकड़कर कैद कर दिया था। यकीन नहीं होता, किसने जाकर उसे जगाया है? तुम्हें क्या लगता है, ये काम डैनी का ही हो सकता है? बिल्कुल सही कहा, आर्को ने रॉनी पर हमला कर दिया है, अब रॉनी खतरे में है, हमें उसकी फौरन मदद करनी होगी। टेंशन नहीं लेने का सर, अब उन लोग उस कोबरा को फिर से वहीं भेज देंगे जहाँ से वो आया था। आर्को एक ताकतवर दुश्मन है, अगर तुम्हें उसके एसिड वेनम का एक मिनट से ज्यादा सामना करना पड़ा तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, बहुत ध्यान से मिशन को पूरा करना होगा। सर, यस सर। अलविदा रॉनी। बेवकूफों, तुम मेरे रास्ते में आए तो सबसे पहले मैं तुमसे ही निपटता हूँ। फोर्स वेपन तैयार। फोर्स वेपन तैयार। ध्यान से। रॉनी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आर्को की कमजोरी पिरामिड है, एक दमदार प्रभाव डालने के लिए सिर्फ आकार ही काफी है। ठीक है, उसे हराने का उनके पास तरीका है। भिड़ू लोग अपने फोर सोर्ड्स तैयार करो। तैयार हो? तैयार। तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। भिड़ू लोग अपनी सोर्ड्स को पिरामिड के आकार में जोड़ो। ठीक है। ये पिरामिड अटैक है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मैं रुकने वाला नहीं। जकॉल, बाहर आओ। झकास, फोर्स कास्ट बुलाने का वक्त आ गया है। रुको, मैं आर्को को अच्छे से जानता हूँ, ये मुझ पर छोड़ दो। फोर्स ट्रांसपोर्ट तैयार। कड़वा स्वाद चख कर देखो। बेवकूफ, मैं तुम्हें फिर से सुला दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत। रॉनी, इस बार मैं तुमसे छुटकारा पा ही लूंगा। हाँ।
हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम शातिर कहेंगे। मुझे उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। वो कोबरा सेंसर उसकी कमजोरी था। ठीक है, ये लो लेजर्स, हमला। ये संभालो। हमने कर दिखाया। एकदम झकास रोनी। इस मैकमोन की ताकत पहले से जरूर कुछ और होगी। सही कहा उस्ताद नील, इस मैकमोन के हथियार बहुत खास हैं। इस बार हम मिनी फोर्स का पूरी तरीके से सफाया कर देंगे। ये जगह इतनी गंदी कब हो गई? मुझे भी साफ करने का मन नहीं है। मुझे पता है इन लोगों से कहां कहीं भाग जाएंगे। तो मैं क्या करूं? ठीक है, अगर मैंने इनमें से को सुपरवाइजर रखा तो ये इसके लिए लड़ने लग जाएंगे। दोस्तों चलो सफाई करें। सबसे पहले क्यों ना एक सुपरवाइजर चुने। जब कोई सफाई करना ही नहीं चाहेगा तो उसका क्या मतलब? रुको, सुपरवाइजर को तो सफाई करना ही नहीं होता है। क्यों? उसे तो सिर्फ सुपरवाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। ये तो फंस गया। ठीक है, ये अपुन करेगा। सुपरवाइजर बनूंगा, अपुन को ये करना है। अगर विकी राजी है तो मुझको कोई दिक्कत नहीं। अगर विकी सुपरवाइजर बन गया, नहीं फिर तो आफत आ जाएगी। ठीक है, फिर विकी होगा सुपरवाइजर। रुको, मैं बनना चाहता हूँ सुपरवाइजर। क्या मतलब सैम? अपुन ने पहले कहा था, है ना सुजैन? ठीक है, फिर वोट से फैसला करते हैं। बताता है अपुन क्या कर सकता है। कैसा लगा? अपुन की सफाई का तरीका अच्छा है ना? अपुन को एक सुपरवाइजर होना चाहिए। वाओ। क्या तुम यही कर सकते हो? ये लो। वाओ, ये बहुत शानदार था। ये मूंगफली अपुन को सबसे ज्यादा पसंद है। ये लो, अपुन चाहता है तुम इसे रखो। ये तुम्हारे पसंदीदा फूल हैं। क्या तुम ये मुझे वाकई में दे रहे हो? लीना, अपुन को लगता है कि तुम सफाई के लिए अपुन को ही चुनोगी, सही है ना? अब अपुन पक्का से सुपरवाइजर चुन लिया जाएगा। क्या इतने गलत तरीके से तुम सुपरवाइजर बनकर खुश रह पाओगे? क्या मतलब, कौन सा गलत तरीका? तुम्हें टेंशन है कि तुम सुपरवाइजर की रेस में अपुन से हार जाएगा? सुपरवाइजर का चुनाव सही तरीके से होना चाहिए। तुम्हें डर है कि कहीं तुम अपुन से हार ना जाओ सैम? मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा, फिर भी नहीं मान रहे। झगड़ना बंद करो दोस्तों, बस भी करो। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए सैम, तुम भी चुप रहो। ठीक है, शांत होकर इस बारे में बात करते हैं। तुम्हें खुद पर गर्व हो रहा है? तुम्हें लगता है कि तुम अपुन लोग से बढ़िया हो? तुम तो अपुन लोग के टीम के हो ही नहीं। विकी, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो सुपरवाइजर बनने के लायक ही नहीं हो। ये सही है, आज तुमने मेरा दिल दुखा दिया। चलो अब इस बात को भूल जाओ। हाँ, कॉल है।
मेकामोन ने हमला कर दिया है। कमांडर, हमें किस तरह के मेकामोन से लड़ना होगा? इस मेकामोन के पास शक्तिशाली खींचने की क्षमता है, वैक्यूम क्लीनर की तरह। इसे तो सफाई करने अपन के घर आना चाहिए। इस मेकामोन के खींचने की ताकत इतनी शक्तिशाली है कि फोर्स पोर्ट फेज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए तुम्हें मेकामोन से दूरी बनानी होगी। अपन बाकियों की तरह इससे भी निपट लेंगे, है ना भिड़ू लोग? अति आत्मविश्वासी मत बनो। इस मेकामोन के पास फोर्स पोर्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए कई हथियार भी हो सकते हैं। उसका सामना करते वक्त तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना होगा। चलो अब सब तैयार हो जाओ। सर, यस सर। मिनी फोर्स तैयार हो। तैयार। हम फिर मिल गए मिनी फोर्स के कीड़ों। तुमको शैतानी हरकतें करना बंद ही करना पड़ेगा भिड़ू, क्यों ना तुम बदलने की कोशिश करो। तुम मूर्ख हो हमेशा की तरह, वहाँ जाओ फौरन और उनको खत्म करके आओ। अब ये तुम्हारा अंत है बच्चों, आयरन बॉल संभालो। आयरन बॉल पड़ गया ना तो तुम यहाँ से चलते बनोगे। मैं इन सबसे पक चुका हूँ, हमला करो। फोर्स वेपन तैयार। भिड़ो अब हम चलो। बिना योजना के नहीं जा सकते, ये खतरनाक है। भिड़ो फोर्स गन तैयार हो। हम इन जीरो पॉइंट से डरने वाले नहीं। फोर्स तलवार तैयार। सैम ध्यान से। विकी, तुम ठीक हो? विकी, क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है? कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं है, इसे अपन देख लेगा। मुझे लगता है मैं विकी के लिए गलत थी, मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ करना विकी, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। शुक्रिया दोस्तों। सैम, अपन को माफ करना, तुम्हें बहुत कुछ बोलकर ठेस पहुंचाई। तुम जानते हो अपन ऐसा नहीं सोचता है ना? बिल्कुल। अपन को फर्क नहीं पड़ता कि हम में कितनी गलत फहमियां रही हैं। तुम सब अपन के खास दोस्त हो, अपनी शक्तियों को एकजुट करके लड़ते हैं। ठीक है। अब तुम चाहते हो तो मैं बुला लेता हूँ मेरा नया मेकामोन। बाहर आ जाओ मेकामोन। ये मेकामोन इसी तरफ आ रहा है। फोर्स कास्ट बुलाने का वक्त आ गया है। फोर्स कास्ट तैयार हो। तैयार। करने का सौभाग्य मैं लेता हूं। फोर्स डिस्क हमला। Thank you.
वैक्यूम एक सेकंड में 100 मीटर तक खींचने के काम में आता है। अबे मैकमोन के खींचने की क्षमता तो कमाल की है। हमारे इंजन अगर पूरी क्षमता से काम करे तो भी इसे संभाल नहीं पाएंगे। मुख्य इंजन खराब हो गया है और बिजली बढ़ती जा रही है। टेंशन नहीं लेने का बेटे लोग, इससे आराम से निपटने का। तेरी तो वाट लग गई मैं, कमॉन फोर्स लेजर आक्रमा। ये ले। हिडलॉक, अपने बैकअप इंजन चालू रखो। बैकअप इंजन तैयार। चलो अब फोर्स फ्लैश के एक ही झटके से इसे खत्म कर देते हैं। ठीक है। फोर्स फ्लैश इग्निशन। इग्निशन।